हम चल चुके हैं पहले मैच की तरफ अपने फाइनल्स के साउथ एशिया के एंड फ्लाइट पाथ की बात करें मिलिट्री बेस से स्टेलबर की ओर जाते हुए बहुत इजी रहेगा फनेटिक आईएनडी के लिए यहां पे ड्रॉप लेना, पर हमें देखना होगा कि बाकी जो टीम्स है जॉर्जो को जिनको जाना होगा, जिनको जार्की जाना होगा, जिनको क्वेरी की ओर जाना होगा, उनके लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है क्योंकि उनको व्हीकल स्टैट यूज करना होगा। जो टीम स्कूल जा रहे हैं उनके लिए भी इजी पीजी लग रहा है मुझे, पर जॉर्जो पुल वालों को मेरे हिसाब से रिजॉर्ट के साइड से गाड़ियां लेके या फिर एसएनए जैसे गाड़ियां लेके जाने होंगे। एग्जैक्टली, और यहाँ पे दो टीम टीटीपी हमेशा मुझे लगता है कि मिलिट्री बेस के थोड़े से कम आउट को कंटेस्ट करना चाहती है, वहीं पे आईएनडी के पे फेरी पेयर जा रहे हैं जो उनका हमेशा स्ट्रैट आता है। अगर सर्कल अपर साइड में कटता है तो वो हमेशा ब्रिज काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि फनेटिक की रोटेशन को थोड़ा काट सके। टीटीपी आज थोड़ा नया लग रहा है, लास्ट टाइम नोवो नहीं जाते थे, वो हमेशा से अर्ली कंपाउंड लूट के वो रोटेट करते थे, बट सोल एज यूजुअल अपने स्कूल और अपार्टमेंट की तरफ मूवमेंट दिखा रहे हैं। लगता है चेंज हुआ है, आज मेहनत हुई है, थोड़ी सी स्टडी हुई है। Yes, I guess, you know, Soul यहाँ पे हो सकती है अपने रोटेशन को चेंज करें। गॉडल यहाँ पे मिल्टा की तरफ उतरते हुए, एंड देन वी हैव एनएचएन जो मिल्टा पावर की तरफ जा रहे हैं। मुझे ये देखना है कि जॉर्जो वाले टीम्स के बीच में हमें कोई अर्ली फाइट देखने को मिलता है। जोन यहाँ पे पहला बनता हुआ, गट का सेंटर जोन बनते हुए, आई थिंक ये बहुत सारे जो भी टीम्स पोचिंग की जॉर्जो पुल की तरफ उतरेंगे उनको काफी फेवर करेगा। आईएनडी के पास यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो अर्ली रोटेशन दिखा और फटाफट क्वेरी से होते हुए गटका की तरफ निकल जाए, क्योंकि आईएनएस बहुत ही जल्द क्वेरी के ऊपर आने वाले हैं और वो आईएनडी के लिए फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। And I don't know where Slayer is going. Slayer यहाँ पे शायद से वही घटका वाली स्टार्ट अगर लगाते हैं, क्योंकि अगर सर्कल का मिड अभी से कॉन्कर कर लेते हैं तो आने वाले चार से पांच सर्कल में एटलीस्ट दो से तीन सर्कल में उनको सपोर्ट मिलेगा। बट यस, हमारी जो टीम फनेटिक है अभी पूरा मिलिट्री बेस एक्सप्लॉइट करेगी, और स्काउट यूजली ऐसे कंपाउंड में नहीं लूटते। स्काउट को हमने देखा है कि छोटे मोटे आगे के घर लूटे, एंड ही गोज फॉर द स्काउटिंग, वो नॉर्मल इन्फो कलेक्ट करके लाते हैं, अपनी टीम के मदद लेते हैं। और टीडीपी ने नोवो में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, कुछ घर लूट रहे हैं, कुछ कंटेनर्स लूट रहे हैं, कुछ थोड़ा सा स्काउट करेंगे। और आज MYM हमें अपार्टमेंट्स में दिख रहे हैं, ये थोड़ा सही तरीका है, मुझे लगता है कि इंटेलिजेंट ऑप्शन था कि उनको पता था MYM शायद आ सकती है। और आप जब जल्दी कूदते हैं, दो टीम साथ में कूदती है, तो एक प्रोबेबिलिटी होती है, एक लक फैक्टर होता है किसके पास गन पहले आई, और वो आपको भले आप गेम जीत जाएं, वहां पर आप गैंग जीत जाए, फाइट जीत जाए, बट अगर आपका एक आधा प्लेयर भी गेम से बाहर हो जाता है, देन आई बिलीव इट्स अ बिग डिसएडवांटेज जो टीम नहीं चाहेंगी। यस yes, बिल्कुल सही कहा आपने। MYM का ये काफी यूजुअल ड्रॉप रह गया, अब जो इन लोग स्कूल के तरफ उतरते हैं, अपार्टमेंट्स को पहले कैप्चर करते हैं, फिर ये मूव इन करते हैं मेन बिल्डिंग पे, एंड अगर वहाँ पे कोई स्क्वाड आए नहीं है उसके बेसिस पे इन लोग अपना रोटेशन बनाएंगे। पर यहाँ पे मुझे काफी टीम्स ऑलरेडी जोन के अंदर रोटेट करते हुए देख रहे हैं। आप देख सकते हो INS जो कि उतरे थे बहुत ही टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मैप, उन लोग फटाफट रोटेट करके गटका की तरफ मूव इन कर चुके हैं। यहाँ पे गॉडल, कीकी, ओपी, एंटो, दक्ष और क्रॉन10 इन लोग अपना रोटेशन मिल्टा की ओर करते हुए, एंड यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन में SG जो कि उतरे हैं लिपोवका के वहां पे, एंड इनका ये बहुत ही यूजुअल रोटेशन है, काफी टाइम से ये करते आए हैं, प्रीवियसली दे वर द PSY स्क्वाड, इनको काफी टाइम लगेगा रोटेट करने में, तो आई थिंक दे शुड गो फॉर द अर्ली लूट फटाफट एंड दे शुड स्टार्ट देयर मूव। थगा वन नो कि INT ने अपने आप को स्प्लिट अप किया ना, दो प्लेयर फेरी पेयर लूट रहे हैं यहां पे, दलजीत और ट्रांस मुझे देख रहे हो, दो प्लेयर स्लेयर और क्रेटोस थोड़ा सा ऊपर गए हैं वो, मे बी जस्ट टू स्काउट, बिकॉज उनको पता है INS घटका उतरती है, और रिसेंट स्क्रिम्स में अच्छे अच्छे ग्रुप स्टेजेस में प्लेन्स में INS ने अच्छी अच्छी टीम्स को बैकस्टैब किया, जैसे कि एक रैंडम ड्रॉप में फनेटिक आई थी, फनेटिक को भी इजी आराम से पूरा क्लीन स्वीप करके निकाला था, तो मे बी दे आर जस्ट कलेक्टिंग इन्फो कि वहां पर कोई प्लेयर्स ना हो, अगर है तो उनके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर रहे। यप, एंड यहाँ पे अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ORB की टीम पोचिंग की तरफ गई है, NTT की टीम ब्रॉलर्स की टीम जो है वो फार्म की तरफ गई है, एंड देन वी हैव TDP की, जैसे आपने बात की थी, और TDP क्रेड भाई मैं आपको कल बता रहा था कि कल जब उन लोग फर्स्ट डे में जब ड्रॉप लिए थे मेगा एक्स के साथ मिलिट्री बेस में, तो मैंने कहा था ये उनके लिए अनयूजुअल है बिकॉज TDP हमेशा नोवर एप जाती है, तो दे हैव दिस गुड नॉलेज ऑफ नोवर एप। RIP अपना यूजुअल रोटेशन मेंटेन करके जॉर्जो पुल कंटेनर्स गए हैं, तो आई थिंक इतना हमें कुछ ज्यादा मेजर ड्रॉप चेंजेस फिलहाल में देखने को नहीं मिल रहा है, पर हमें देखना होगा कि क्योंकि 18 गेम है, काफी सारे गेम्स अभी आने में पेंडिंग है, तो उसमें कौन से टीम अपने को आपको कैसे अडॉप्ट करते हैं, कैसे अपने आप को मॉडिफाई करती है। एंड यहाँ पे NTT के घातक नियो, अमन और जोनाथन अपने बेसिक सोच से करते हुए यस नया जा रहे हैं, अनकंटेस्टेड है, पर इनको मुझे लग रहा है रोटेशन में दिक्कत हो सकती है क्योंकि इनके लिए रोटेशन के सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट सिक्योर्ड है किसी ना किसी टीम से। एंड मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे टीम सोल ने यहाँ पे
थोड़े से कंपाउंड लूट करे उसके बाद देयर इज मूविंग फॉरवर्ड कि वो सर्कल के मिड को पहले से कंटेस्ट करना चाहते हैं, ये मे भी एक स्टार्ट बनाई होगी. बिकॉज यही चीज हमने बर्लिन फाइनेंस में भी देखी थी, टीम्स पहले दिन कोशिश कर रही थी कि आराम से बिल्कुल कॉर्नर्स पे खेले, बट डे टू वॉज ऑल अबाउट कैंपिंग द मिड पॉइंट. बट मिड पॉइंट पे ऑलरेडी टीम नंबर 8 जो आई एन एस है उन्होंने एक प्लेयर छोड़ रखा है जो स्काउट कर रहा है, और उन्होंने ये प्लेयर शायद स्पॉट भी कर लिया, और ये काफी मुश्किल हो सकता है. बट आई एम वरीड अबाउट टीम नंबर 16, टीम नंबर 3, 14, 2, ये जो काफी दूर है, और अगर ये राइट साइड से रोटेट करना चालू करते हैं देन दे विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम है. बट पहला फ्रेम लगता है कॉम्बैट देखने को मिल सकता है पोचिंकी का चर्च, और वहीं पे सामने सामने वाले कंपाउंड में है कंपाउंड ने वेरा, उसके अंदर जोकर है. तो जोकर और मैजिक इससे पहले लास्ट कभी खेले साथ में? नहीं नहीं, मैजिक की एग्जिस्ट में जोकर आए थे. यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे क्या लगा कि आईएनएस इतना स्प्लिट खेल रही है ऑन द प्रिजम्पशन कि बाकी टीम्स रोटेट नहीं करेंगे. इसमें मुझे बस आईएनएस के लिए ये डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि उनका जो उनके जो स्प्लिट प्लेयर्स है वो किसी एक टीम के पूरे स्क्वाड के झांसे में आ जाए और उनको एक अर्ली कैजुअलिटी मिल जाए. यहाँ पे आप देख सकते हो टीम सोल जो है कि वो हमारे हिल के नीचे वाले कंपाउंड्स को होल्ड करना चाहेंगे, बिकॉज उनका ये मेंटेलिटी रहता होगा कि यू नो यहाँ से उन लोग सारे गटका के एरिया को ओवरसी कर सकते हैं, उनको पता रह सकता है कौन सी टीम कहाँ जा रहे हैं, बहुत उनको केयरफुली असेस करना होगा बिफोर दे मूव इन जोन जैसे भी कटता है ऑब्वियसली. यहाँ पे आप देख सकते हो आरआईपी, इन्होंने अभी तक रोटेशन स्टार्ट नहीं किया, बट आई थिंक इनके लिए वे काफी ओपन है. इन लोगों का चाहे तो जॉर्जो सिटी होते हुए आराम से कोस्टल वाले रास्ते को लेके दे कैन इजीली मूव इनसाइड द जोन. एग्जैक्ट, और मुझे सुनने में भी आया था, आपने भी बताया था कॉन्वर्सेशन में कि यस लाइक आप इनको एक अच्छा कंटेंडर मानते हैं इस वक्त पीएमसीओ साउथ एशिया फाइनल्स के लिए. यप, आई गेस यू नो आरआईपी इज अ वेरी स्ट्रांग कंटेंडर. इनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, यू नो इन लोग ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ हर लैंस में यू नो लास्ट 16, लास्ट 2 में रहते हैं, पहुंचते हैं, बट देन दे हैव एक्सपीरियंस. एंड कल हमने जब इनके लास्ट गेम में परफॉर्मेंस देखे, लास्ट 2 गेम्स में जब इन्होंने दिखाई कि दे कैन गेट दोस पॉइंट्स कंसिस्टेंटली, तो आई डेफिनेटली फील कि हाँ इस टीम के अंदर वो कैलिबर है, वो क्षमता है कि इन लोग जाके इस बड़े प्लेटफॉर्म में इस बार परफॉर्म कर सकेंगे. एंड मे बी कुआलालंपुर का इनका फ्लाइट टिकट बुक रहेगा. एग्जैक्टली, बिकॉज ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स में ऐसी ह्यूज ऑडियंस के सामने प्रेशर तो आता है, और प्रेशर का एक ही सोल्यूशन वो है एक्सपीरियंस, और आरआईपी के अंदर एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है. बट अब धीरे धीरे जैसे अब सर्कल जो डिजायर्ड जोन की तरफ जा रहा है, तो हमारी सारी टीम रोटेट भी कर रही है, धीरे धीरे कोशिश करेंगे. बट आई एम वरीड अबाउट द नॉर्थ वेस्ट साइड, नॉर्थ ईस्ट साइड, जहाँ से एंटिटी, टीम एलिमेंट्रिक्स, ये टीम्स आ रही है. जब ये रोटेट करेंगी, जब ये आएंगी, देन इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली. बट मीन वाइल गॉडल का एक प्लेयर नॉकआउट हो चुका है, डार्क ने इंस्टेंटली गाड़ी से कर दिया, और भाई ये थोड़ा ब्रूटल लगा देखने में, बिकॉज वो अकेले घूम रहे थे, एंड ये थोड़ा एक कैजुअलिटी होगी गॉड लाइक. पहला प्लेयर जो हमारे फाइनल से जा रहा है, साउथ एशिया फाइनल से एलिमिनेट हुआ है इस गेम में, गेम नंबर 1 में ही, वो हमारे किकी हुए हैं. एंड अनफॉर्चुनेट था, बिकॉज ये हर प्लेयर कोई ना कोई थोड़ा स्प्लिट अप होकर खेला, उनको नहीं पता था कि ईटीजी के प्लेयर इतने क्लोज होंगे और इतना प्रिसाइज शूट करेंगे. एंड अच्छा लगा देखकर, बिकॉज मूविंग कार में इतनी आसान नहीं होता है मारना. या बिल्कुल सही कहा आपने. यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रॉलर्स यहाँ पे जो रोटेशन अपना स्टार्ट कर चुके हैं, अगर हम लोग देखें तो इन लोग कोचिंग की के काफी करीब से होते हुए सेंटर ऑफ द सर्कल पकड़ने की कोशिश करेंगे, पर वहां पे क्योंकि आईएनएस सोल ऑलरेडी बैठी है, नीचे से आईएनडी भी आ रही है, तो आई एम नॉट रियली श्योर कि ब्रॉलर्स के लिए इजी रहेगा. नहीं, यहाँ पे एक हल्का सा कार बंप हुआ, बट आई गेस इनके पास व्हीकल्स काफी हो गए. ब्रॉलर्स जो कि इस टूर्नामेंट में मोस्ट कॉन्फिडेंटली आई गेस आईएनडी और ब्रॉलर्स जा रहे होंगे, बिकॉज दे हैव मतलब इतने पॉइंट्स उन्होंने भरे थे अपने झोली में प्लेन्स में कि उनको यहाँ पे कॉन्फिडेंस की तो मतलब गंगा बह रही होगी उनके दिमागों में. एक चीज याद आई मुझे, था कल हमने गलती से एक गलत ऑब्जर्वेशन सी होगी थी हमसे दोनों से, कि जब हमने बोला था कि क्रेटोस ने स्नैक्स को मारकर थोड़ा पिक ऑफ किया था, तो मुझे कोई सेटलमेंट है, बट नहीं, हमने उसके बाद मैचेस खुद देखे, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि आसपास बहुत सारी टीम थी और वहां पे अच्छा ऑप्शन यही था कि बैक फॉल बैक करना अच्छा था. थोड़ी देर बाद ही क्रेटोस ने एक सेकंड के अंदर नॉकआउट एंड फिनिश किया था, तो जोन वाली इशू थी. मैंने उस टाइम बोल भी दिया था कि यहाँ पे जोन की इशू हो सकती है, बिकॉज जोन उसी टाइम कटा था, एंड दे रियलाइज कि दे हैड टू मूव इनसाइड द जोन. पर यहाँ पे ओआरबी मेरे हिसाब से काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर चुके हैं पोचिंग के में, बिकॉज जोन अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूँ आई थिंक इट शुड गो टुवर्ड्स गटका एंड हॉस्पिटल के साइड. तो पर यहाँ पे ओआरबी मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा टाइम ले ली, क्योंकि उसके बाद बाकी सारे टीम देखे ओआरबी अभी इस मेंटेलिटी से चले गए, उनके पास पोचिंग है, दे हैव दिस ह्यूज एरिया जो उन लोग होल्ड करके रखे हैं. अगर जोन यहाँ नहीं कटता है तो उसके बाद उनको मूवमेंट में काफी दिक्कत हो सकती है. या हमारे साथ स्क्रीन में है सोल की टीम, सोल, मॉर्टल, वाइपर, क्लच गॉड और रेगल्टॉस, एंड यहाँ पे जोन उसी तरफ कटते हुए गटका और हॉस्पिटल की तरफ. एंड यहाँ पे अब आई गेस ओआरबी अभी भी जोन में, बट देन दे स्टिल नीड टू मेक मूव्स. एंड सोल पूरा सेंटर आ चुकी है, पहले उन लोग जा रहे थे थोड़े हिल्स के तरफ, पर अब उन लोग काफी सेंटर में आ चुके हैं. उनके सामने टीम आईएनएस है, उनके सामने टीम एसजी है, तो आई गेस उनके एंड पीछे से टीम आईएनडी भी आ रही है, टीम आईएनडी माइट जस्ट पुश इन सोल के अंदर. एग्जैक्टली, और अब धीरे धीरे सारी टीम अंदर गैदरिंग करें, अभी तक एक भी टीम यहाँ पर
हमारा सर्वर छोड़ के नहीं गई है, सब टिके हुए हैं। और फिनेटिक ने रोटेट करना चालू कर दिया, मिलिट्री बेस से ब्लू जोन आ चुका है और उनके पास सामने ड्रॉप भी है, अगर उनको स्पॉट हो जाता है देन दे कैन यूटिलाइज इट, कॉज कुछ ना कुछ एक अच्छा वेपन मिलेगा अगर AWM वगैरह आती है, देन ये दे कैन यूटिलाइज टू यू नो एलिमिनेट द डिफेंस, कॉज साइट के अंदर जो आपका सेफ जोन है वहाँ पे प्लेयर्स ने भी पोजिशन ले लिया है, दिस इज अ परफेक्ट टाइम कि वो आराम से होल्ड करके आगे चलेंगे। ए ड्रॉप नंबर वन ग्रोजा के साथ 7.6 जो कि 60 बुलेट, लेवल 3 का पूरा गियर्स, जो आपका हेलमेट वेस्ट और बैग होता है और एक मेडिकेट थी शायद वहाँ पे। यप, एंड यहाँ पे RIP और INS ने जो दो स्पॉट ले रखे हैं ये फनेटिक के फेवरेट स्पॉट्स रहते हैं, जब ये वाला जोन बनता है इन लोग बहुत चाहते हैं कि या तो इनको ये सीवर्स मिल जाए या फिर उनको वो कंपाउंड मिल जाए, सो आई गेस फनेटिक यहाँ पे थोड़ा स्क्रैम्बल कर सकते हैं सोचते हुए कि उनको कौन सा स्पॉट होल्ड करना है। एंड देर हैव बीन अ लॉट ऑफ टाइम्स कि फनेटिक इस सीवर के चक्कर में बहुत बार उन लोग मरे हैं ये ड्रेनेज के चक्कर में, बिकॉज उनका ये टारगेट रहता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रॉलर आइकॉनिक क्रॉस करते हुए, बट आई गेस जंप करा दी, आइकॉनिक ने जंप करा दी बिकॉज वो जंप होता है यहाँ पे, ये वाला ड्रेनेज बहुत छोटा होता है, सारे टीम सारे का व्हीकल्स यहाँ से जंप हो सकते हैं। RIP जो स्पॉट होल्ड कर रही है बहुत ही प्यारी स्पॉट है, यहाँ से गेम काफी प्यारा बन सकता है, बट दे नीड टू बी केयरफुल अबाउट द नेज जो आ सकते हैं उनके पास कहीं से भी, देयर लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ से वो एक्सपोज है, दे नीड टू बी केयरफुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके चारों तरफ से ब्रॉलर्स रोटेट कर रहे हैं एंड इन लोग बस सबको ट्राई कर रहे हैं कि अपने से दूर रखें, किसी को अपने अंदर आए ना दे। एग्जैक्टली, और अभी अगर जो मैं हालत देख सकता हूँ ना यहाँ पे मैप की, लोगों के बीच दिलों में डर है, दे डोंट वांट टू ट्राई एनीथिंग न्यू, वो उनको पता है कि सर्कल जो भी कटेगा रोटेशन में ही सबकी यहाँ पे किल्स जाएंगी, तो सब बीच में जा गए कि अगली बार सर्कल कटता है तो मैक्सिमम टीम्स हमें सर्कल में ऑलरेडी होंगी। ये देखिए एग्जैक्टली, अगर देखें बीच के सर्कल में सारे हैं, अगर आप कॉर्नर्स में देखेंगे अकेले मुझे एंटिटी के घातक दिख रहे हैं, एंटिटी स्क्वाड दिख रहे हैं और एक भी टीम नहीं है बिल्कुल कोने पे। अब फनेटिक नीचे सदर्न पार्ट से एंट्री लेगी मिलिट्री बेस की तरफ से, बट सब मिड में खेले थे, सो स्केर्ड, ये बस वो कैम गेम खेलना चाहते हैं, दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन पोजीशन, क्योंकि आखिरी पोजीशन में जब आप सर्कल में आते हैं 10-15 प्लेयर बचते हैं, इफ यू मैनेज टू गेट 5-6 किल्स आपकी अच्छी पोजीशन मिल जाती है और उसके हिसाब से आप गेम में आगे बढ़ते हैं। यस, बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे ब्रॉलर्स की टीम ने एक रिच पकड़ा, एक छोटा सा लोअर ग्राउंड था जिसके पास उनको छुपने की जगह मिल गई, आप देख सकते हो आइकॉनिक जिनके पास डिसेंट लूट दिख रहा है मुझे, 3 फर्स्ट एड्स है एंड देन लेवल 3 की बैग, लेवल 2 के फुल इक्विपमेंट है, DP28 यहाँ पे स्मोकी के हाथों में एंड उसके पास एक फुल मेडकिट है एंड 4 फर्स्ट एड 2 ड्रिंक्स लेके हैं, लूट वाइज सारे टीम्स ओके लग रहे हैं। यहाँ पे एलिमेंट्रिक्स ने ऑग A3 ले लिया है, AUG उनको मिल गया है, तो आई गेस AUG A3 के साथ यू नो लेवल 3 की इक्विपमेंट ये काफी उनको हेल्प कर सकती है। स्मोकी ने यहाँ पे डैमेज देने की कोशिश की RIP के प्लेयर्स को और काफी डैमेज ऑलरेडी दे भी लिया, बट उनके पास एक अच्छा रिज है, वो आराम से होल्ड कर सकते हैं, डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि कोई भी टीम इतना इनिशिएट करेगी अगर कवर करेगी डिस्टेंस देन वो काफी टाइम ओपन रहेगी, ओपन में कोई रिज नहीं है कोई कवर नहीं है देन उनका नॉकआउट होना प्रॉब्लम होगा, तो बस थोड़ा स्पैम करते रहे सो दैट वो एक मैप इन्फो पे बिल्कुल भी आगे ना बढ़ पाए, बिकॉज अगर मैप का इन्फो आता है कोई लैंग करके चला जाता है इन्फो आ जाती है देन थोड़ा मुश्किल हो जाता है टीम्स के हैंडल करना, बट ट्रस्ट मी इतना लेवल कंपटीशन, इतना कॉम्प्लेक्स कंपटीशन मैंने आज पहली बार देखा अपने PMCO साउथ एशिया रीजन फाइनल्स के अंदर, बिकॉज इससे पहले जब हमने प्लेन्स करे थे तो टीम थोड़ा सा मैंने कहा काम डाउन माइंड से खेल रही थी, थोड़े से एक्सपेरिमेंट करी, अब ये देखिए इस सर्कल में ऑलमोस्ट 90% टीम है और जो नहीं भी है वो अगले मतलब उनके लिए भी जगह है, सारी टीम अब जाने ये सोल हो गई यहाँ पे, गॉडल हो गई, INS होगी, टेम्पेस्ट की टीम हो गई, यहाँ ब्रॉलर्स होगी, मेजर अल्फा, एवरीवन इन सर्कल, और एंटिटी ने ऊपर से एंट्री लिया है, दे हैव द फ्री पैसेज ऊपर से, तो उनको बस एक ही टीम से डर है, दो टीम राइट में मेगा है, लेफ्ट में एलिमेंट्रिक्स है, तो थोड़ा बेसिक रहे, और एक घातक ने काफी आगे ले गए हैं, मे बी ये दो गाड़ियों के साथ आ रहे, दोनों दो प्लेस करके साथ जब, एंड यहाँ पे पर फनेटिक के लिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, यहाँ पे SG की टीम ने पुश किया है सीधे MIM पे एंड ये पुश हमें देखना होगा SG के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है, चारों प्लेयर्स को पहले घर के अंदर कंपाउंड होल्ड करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले रेड्स नॉक होते हुए एंड वहाँ पे दो प्लेयर्स और नॉक होते हुए SG यहाँ पे बहुत ही डेंजरस पुश ली, तीनों प्लेयर्स एक ही साथ मर गए, SG इज द फर्स्ट स्क्वाड टू गेट नॉक्ड आउट, आई थिंक लोग थर्ड पार्टी भी हुए, सिनर्जी ई यहाँ पे एक बहुत ही ब्लाइंड और अंधा पुश किए एंड उन्होंने उसका प्राइस पे किया, MIM यहाँ पे सेफ है, 4 किल इजी किल्स उनके खाते में लिखा जाएगा यहां पे, दैट वाज नॉट अ गुड ऑप्शन, बिकॉज़ ठीक आई गेट इट, यू नीड टू आपको एक ऑप्शन लेना था, एक स्टेप लेना था कि आपको एग्रेशन खेलना था, बट यू शुड हैव प्लान्ड इट, एटलीस्ट इस तरीके से फ्लैंक करते एटलीस्ट आपको कवर करने की जगह मिलती, बिकॉज लास्ट में जब हमने देखा जो प्लेयर्स थे सिनर्जी के वो बिल्कुल प्रोन हो गए थे, एंड सोच के देखिए आपको कुछ नहीं देख रहा, सामने वाला आपको आराम से आपका विजन ले सकता है, मीन मैन लेजेंड ने यहाँ पर जो नेपाली होने के डिस्कनेक्ट और R2 को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया, तो इट्स नॉट, इट्स अ बैड स्टार्ट फॉर देम,
दे शुड बी डूइंग समथिंग और इंस्टेंटली उन्होंने गेम से शायद उनको एग्जिट पर शायद रेगल्टोस ने यहाँ पे अपनी टीम के लिए किल स्टील कर लिया एनएचएन के लिए आरआईपी के नॉक्स में रेगल सोल आके एक किल ले गए यहाँ पे आरआईपी के टेम्पेस्ट टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं एनएच के एचबी को एनएचएन के एचबी को एंड वहाँ पे कुछ स्प्रेज देने की कोशिश कनेक्ट नहीं हुए लखे ओपी उसके सामने से जा रहा है पर ये डासिया सॉरी बगी में शॉट लगने के लिए यू नीड अ गोल्डन शॉट जो नहीं लग पाया एक शॉट लगा उससे काफी डैमेज भी हुई बट यस आई थिंक आरआईपी ने अपने लिए एक कंपाउंड जीता है यहाँ पे दे गिव अप अ गुड फाइट एनएचएन को उन्होंने बैकफुट में डाला वहां पे देख सकते हैं फनेटिक के रोनक ने गॉड लाइक के एंटो को नॉक किया जो नाता ने वाने एचबी को पकड़ लिया रोनक ने वहां पे क्रॉन्टेंग को भी नॉक किया एंड आई गेस गॉड लाइक इज इन अ लॉट ऑफ ट्रबल उनके एक बंदा ऑलरेडी स्टार्टिंग में मर चुका था दो बंदे उनके नॉक्ड है सो आई थिंक गॉड लाइक इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन एट #15 एग्जैक्टली यहां पे दक्ष अकेले बचे उनको सर्वाइव भी करना रिवाइव भी करना उसके बाद देखते हैं कि गेम में आगे वो कैसे बढ़ेंगे बट अफसोस गॉड लाइक उनकी सेकंड टीम जो एलिमिनेट हो चुकी है एंड दिस इज अ बिग अपसेट बिकॉज इन्होंने प्लेन्स में बहुत अच्छा खेला था 14th पे नेपाली होनी कल का लास्ट गेम था डिसाइडिंग इन्होंने काफी बड़ी जंप ली थी और काफी अच्छी पोजीशन सिक्योर करी थी फाइनल्स में काफी कॉन्फिडेंटली आए थे बट इट वाज अनफॉर्चुनेट अब यहां पर आईएनडी के स्लेयर ही इज टारगेटिंग मॉर्टल उनको यहां पे गाड़ी दिख गई है मेकल से गाड़ी के थ्रू गाड़ी को वो बस और बीएसएस को प्रेफर करें मैंने कल भी देखा था जब लास्ट गेम था आईएनडी वर्सेस ओआरबी था जो ये जॉर्जियो पूल वाले स्क्वाड हाउस में 3-4 स्क्वाड हाउस में आए हुए थे वहां पे कंपाउंड में तो स्लेयर इसी गन से मैक्सिमम डैमेज देना पसंद करते हैं यहाँ पे बात क्या क्रेड भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये टीम्स आईएनडी होगी सोलो के लोग अर्ली रोटेशन पे बिलीव करते हैं इनको ये लगता है कि अगर हम लोग जल्दी जाके जोन पकड़े तो इट्स नॉट नेसेसरी तो कोई भी गन इन लोग लेके निकलने की कोशिश करते हैं वहाँ पे मे बी स्लेयर का प्रेफरेंस रहता कि डीएमआर उठा लूं मैं या कोई M416 टाइप की गन मिल जाए बट नो ही बीएसएस थोड़ा जल्दी मिल जाता है तो आई गेस ही चोज बीएसएस बिकॉज वो सारा गन चला सकता है सबसे बड़ी बात है स्लेयर के पास स्लेयर के लिए कोई भी गन चलाना छोटी बात नहीं है ये हमने देखा है उनके कल के परफॉर्मेंस में सो आई गेस यू नो द बेस्ट गन बट देन द बेस्ट पॉसिबल गन इन अ क्विक टाइम वाली बात है और साथ में आपको एक सप्रेस शॉट्स मिलते हैं तो बहुत मुश्किल होता है बताना अभी देखिए रेट ऑफ फायर कितना था और इंस्टेंटली यहाँ पर क्रेटोस ने एलिमेंटिक्स के प्लेयर को नॉकआउट कर लिया कन्विंसिंग नॉकआउट था बिकॉज टीपीपी के एडवांटेज यहाँ पे एलिमेंटिक्स को थी यहाँ पे क्रेटोस काफी ओपन थे बट इट वॉज अ ग्रेट फाइट अब जो फनेटिक है वो पीछे से आ रही है सोल के तो नेक्स्ट कॉम्बैट हमें शायद फनेटिक वर्सेस सोल देखने को मिल सकता है और जो सर्कल के अंदर टीम को रोटेट करना है अब देखिए टीम जब जेड अगर रोटेट करते हैं तो उनके बीच में आएंगे INS वहीं पे ब्रॉलर एंड MYM दे मे बी गो फॉर अ क्लैश बट दे शुड एस्केप इट उनको अभी थोड़ा पैसिव खेलना चाहिए थोड़ा पोजिशन पे जाए आई नो अभी टीम एलिमिनेट हो रही है अभी टाइम है किल्स लेने का बट अगर आप किल्स लेने के में जाते हैं और ये रिस्क फैक्टर आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है देन यू विल बी लूजिंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज मानता हूं 18 गेम्स हैं कंसिस्टेंसी ही इज द की बट गेम नंबर वन अच्छा नहीं जाएगा ना तो आपके कॉन्फिडेंस में रिफ्लेक्ट करेगा यू नेवर नो गेम नंबर वन की वजह से पूरा डे नंबर वन खराब ना हो जाए यप एंड यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या आई एन डी यहाँ पे बहुत ही अब अच्छे पोजिशन पे आ गए उनके सारे प्लेयर्स हाई रिच पे आ चुके हैं उन्होंने एक बंदे को पुशबैक किया नॉक करके एंड यहाँ पे दो प्लेयर्स आई एन डी के बी एस एस चला रहे हैं दोनों स्लेयर और क्रेटोस के हाथों में बी एस एस है सो आई थिंक यहाँ पे उन लोग ने बी एस एस को एंड बी एस एस काफी अच्छी कनेक्ट अगर आप देखा जाएगा इफ यू कनेक्ट मल्टीपल शॉट जिस तरह से उसका स्प्रे जाता है आई थिंक एंड एक बुलेट में हमें ड्रॉप भी देखने को मिलता है तो आई थिंक वो बहुत एडवांटेजियस होता है यहाँ पे आईएनडी एलिमेंट्रिक्स को सक्सेसफुली पुशबैक कर रही है पूरी अगर हम सर्वाइवल स्टेटस पे जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेहम ऑलरेडी अपने लिए 4 किल्स निकाल चुके हैं फनेटिक 3 सोल 2 और बाकी एलिमेंट्रिक्स ब्रॉलर्स आरआईपी और ओआरबी एक एक किल इच एंड यहाँ पे मेगा की टीम ने ओआरबी पे अपना धावा बोल दिया है ओआरबी के आईमाजिक नॉक हो चुके हैं एंड आई गेस मेगा यहाँ पे एक अपर एडवांटेज जो हमने देखा था मेगा जोन के अंदर आने की कोशिश कर रही थी उन्होंने पुश किया ओआरबी पे एंड आई गेस ओआरबी लुक्स इन ट्रबल यहाँ पे ओआरबी के मैडॉग ने फाइनल बॉस को नॉकआउट कर दिया मेगा किसलिए भी हो चुके ओआरबी के यश ओके इट्स अ नॉर्मल फाइट दोनों एक दूसरे को ट्री डैमेज कर रहे हैं बट यहाँ पे मेगा थोड़ी प्रॉब्लम में मुझे लग रही है 3 पे यहाँ पे मेगा स्टार्स के नॉकआउट है वैक्सी पे बहुत प्रेशर होने वाला है वैक्सी को या तो रिवाइव करने या तो सामने वाले को एलिमिनेट करके अपनी टीम को एक दान देना पड़ेगा बट इट्स बिटवीन मैक्स काश वर्सेज वैक्सी अगर मैं बोलूंगा कि सारे पैसे चले जाएं हील अप हो जाएं बिकॉज एक प्लेयर की गलती पूरी टीम को सर्वाइव करने में दिक्कत दे सकती है 3-3 पे यहाँ पे नॉकआउट है और मीन वाइल यहाँ पे एक प्लेयर उन्होंने रिवाइव कर दिया है मैजिक को रिवाइव कर दिया अब मैजिक बाकी को रिवाइव कर पाएंगे बट मेगा का अभी भी एक भी प्लेयर रिवाइव नहीं हुआ है तो किसलिए मेगा जो स्पॉट कर रहे हैं कि ऊपर से कोई आ नहीं रहा टीपी पे लेके मदद करके बट मीन वाइल यहाँ पे फाइनल बॉस को रिवाइव कर रहा है बिकॉज ही इज द आइडियल ही इज द मेन की और वही मेगा स्टार्स को अभी तक इतनी ऊपर तक लाया है तो इफ यू आस्क मी कितने लोगों ने बोला मेगा साहब वैसे मेगा एक ज्यादा डोमिनेंट ऐसा है बट आप ये देखिए फाइनल में कौन खेला है इट्स मेगा स्टार्स सो दे आर प्रॉमिसिंग दे आर द गुड कॉम्पिटिशन टू दीज 15 टीम्स रेक्स 15 टीम्स जोकर ने यहाँ पे भी एक प्लेयर को नॉकआउट कर दिया आई बिलीव इट्स वेम्पायर ओपी को नॉकआउट किया बिकॉज अभी अकेले वही है
जो नॉकआउट हुए हैं। यहाँ पे मुझे काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रहा है, सोल और फनेटिक एक दूसरे काफी करीब है, एंड आई गेस सोल अगर लेफ्ट साइड जाती है तो उनको आईएनडी से पड़ेगी, राइट साइड जाएगी तो उनको फनेटिक मारेंगे, तो आई थिंक यहाँ पे सोल को एक साइड क्लियर करके भरना पड़ेगा, पर उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि फनेटिक अगर राइट की तरफ रोटेट करे जो हो सकता है वो करे, पर यह जोन बन चुका है, जोन बहुत ज्यादा आईएनडी एलिमेंट्रिक्स को फेवर करते हुए, बाकी सारे टीम्स को अपिलाना है, यहाँ पे मेहम एलिमिनेट होते हुए 13वें नंबर पे, एंड देन वी आर डाउन टू द लास्ट 12 टीम्स एंड वी हैव 48 पीपल अलाइव आई गेस, एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो मेहम एलिमिनेट हो चुकी है, गॉडलाइक एलिमिनेट हो चुकी है, नेपाली होनी एलिमिनेट हो चुकी है, सिनर्जी ही भी एलिमिनेट हो चुकी है, यहाँ पे हमें फाइट देखने को मिल रहा है, जेड के सूर्या ने टीडीपी के एक प्लेयर को नॉक किया है, टीडीपी के प्लेयर जोन के अंदर रोटेट करना चाह रहे हैं, जेड पीछे से उनको नेट करके शायद नॉक करना चाह रहे थे पर वो नहीं हो पाया, ब्रॉल के डार्क ने वहां पे जेड गॉड को नॉक किया, जेड कवर फायर में है, उन लोग सैंडविच सिचुएशन में है उनके बीच में, पर यहाँ पे सेक्स लियो को जेड के सूर्या कंफर्म करते हुए एलिमेंट्रिक से जूनियर ट्राई करेंगे कि उनका स्पॉट वो नहीं खोए, एक तरफ उनके आईएनडी है, एक तरफ उनके ओआरबी और मेगा है, दे हैव टू रियलाइज दिस, उनके पास एक सैंडविच सिचुएशन के अंदर फंस चुके हैं, और सिचुएशन को एक ही तरीके से ब्रेक थ्रू करा जा सकता है कि आप एक सिचुएशन में ऑल इन कर दीजिए तभी जाकर आप ज्यादा देर सर्वाइव करेंगे, बिकॉज अगर दोनों साइड से पुश आने लगा देन एक टाइम आएगा कि आप मीट ग्राइंडर के अंदर फंसे हुए अपने आप को महसूस करेंगे, बट अब सोल के वाइपर ने सीधा गाड़ी घुसाई है, सीधा हिल पे कनेक्ट करना चाहते हैं, पीछे क्लच गॉड मॉर्टल और रिगल टॉस भी अपने रोटेट करेंगे, फनेटिक भी साथ साथ रोटेट करिए, एंड दिस कैन बी रिस्की बिकॉज एक छोटे से रीजन के अंदर बहुत सारी टीम अपने आप को होल्ड करके बैठे, प्ले जोन से ड्रैगन यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं, एंड आईएनएस ये बुरी खबर है, दलजीत ने हमें वाइपर को नॉकआउट कर दिया, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि इंपेशेंट मूव था, ही कुड हैव जस्ट होल्ड डाउन, अब वहां पे मेरे ख्याल से मॉर्टल है, मॉर्टल पे काफी प्रेशर होने वाला है कि वो अपने वाइपर को कैसे रिवाइव करेंगे, ओवेज यहां पे नॉकआउट हो चुके, ओवेज इज वन ऑफ द की प्लेयर फनेटिक के अंदर, और परितोष भी गए, दो फनेटिक पे आर आउट, अभी नॉकआउट हो चुके, उनको गेम के अंदर वापस आना पड़ेगा, और स्काउट किस तरफ बढ़ रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, मे बी ही जस्ट ही इज कंफर्म की दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है, ओके उन्होंने स्पॉट कर लिया रहेगा को यहां पे, ओके रेगा पे शॉट दे रहे, बट रेगा ने प्रोन करा, उनको डैमेज बिल्कुल नहीं पड़ा, ऑब्वियस को यहाँ पर रिवाइव कर दिया गया, मे बी रौनक ने कॉल दी होगी कि मैं रिवाइव करता हूँ, तू नॉर्मल रोटेट कर और हमारे इन्फो कलेक्ट करके ला, और यहाँ पे नेट मारा, वो फनेटिक स्काउट की एचपी देखिए कितनी ज्यादा हो गया, रेगा प्लेइंग वेरी स्मार्ट, नेट मारा उनको रोटेट करने पे मजबूर किया, उसके बाद क्या फाइनली रेगल टॉस, ओ माय गॉड दैट वाज अनफॉर्चुनेट, यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं और उनकी टीम बहुत ज्यादा दूर है, भले यहाँ पे मेरे ख्याल से क्लच गॉड है, क्लच गॉड प्रोन करके बैठे, अगर कवर फायर पे अगर आ गए देन स्काउट की कोई खैर नहीं, मीन बाय रेगल टॉस यहाँ पे परितोष को कंप्लीट कर दिया, फनेटिक के रौनक नॉकआउट हो चुके हैं, फनेटिक के लिए बहुत बुरी खबर है, बिकॉज स्काउट अकेले प्लेयर है जो खड़े उन पर काफी प्रेशर है, वहाँ पे क्लच गॉड उनको ऑलरेडी देख रखे हैं, और ये गेम बिल्कुल भी फनेटिक के फेवर में नहीं जा रही, और देखिए पहला गेम साउथ एशिया फाइनल्स का, एंड यस द माइटी टाइटंस आर in a weak situation. बिल्कुल सही कहा आपने क्रेड पे, यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या, स्काउट ने अपने आप को जिस तरह से कुछ रिपोजिशन किया है, रियलाइज कि टीम वहाँ पे फंस चुकी है, he was the first person to take that quick decision because ये वो कैपेसिटी रखती है कि वो कहीं से भी अपने टीम को कवर पर दे सके, स्काउट ने जाते हुए फनेटिक ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, फनेटिक यहाँ पे आउट हो चुकी है, पर नहीं पहले 12वां नंबर पे मेगा स्टार्स बाहर जाते हुए, स्काउट यहाँ पे ओपन दहाड़ रहा है, ओपन में जा रहा है, एंड ही नीड्स टू एंश्योर कि वो प्रॉपरली हील हो जाए, वहां से क्लच गॉड आते हुए स्काउट के पास एक हल्का सा टीपीपी एडवांटेज है, स्काउट अगर फर्स्ट एड लगा लेता है तो फिर क्लच गॉड वर्सेस स्काउट का बहुत इंटरेस्टिंग फाइट हो सकते हैं, यहाँ पे स्काउट रश इन करते हुए सोल क्लच गॉड के ऊपर, रेगल्टोस वहाँ पे लेने की कोशिश करेगा, क्लच गॉड वर्सेस फनेटिक, स्काउट इज एट 10 एचपी, यहाँ पे फनेटिक 11वें नंबर पे आउट होते हुए, क्लच गॉड कमिंग अप विद दैट किल, एंड क्लच गॉड इंस्टेंटली गेट्स नॉक्ड आउट, यहाँ पे सोल भी बहुत दिक्कत में है, आईएनएस काफी दिक्कत में है, पर आरआईपी एनटीटी गेमिंग आईएनडी दे लुक सो स्ट्रॉन्ग विद ऑल द फोर पीपल अलाइव, तीन और दो पॉइंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, आईएनडी प्लेइंग इट काम एंड कंपोज, जीरो पॉइंट्स, बट देन दे हैव दैट फोर मैन एडवांटेज, दे हैव द जोन एडवांटेज, अगर आप मैप की ओर ध्यान देख रहे भाई, दे हैव जस्ट move down inside the zone already, they are the only team inside the zone, soul bhi yahan pe mujhe kafi dikkat mein dikh rahe hain, because aap dekh sakte ho soul ke do bande alive hai, ek bande knocked hai, par char points unhone apne khate mein likh chuka tha, fnatic good enough 5 point leke nikle hain, aur yahan pe mortal knockout ho chuki hai, yahan pe gaadi fatti ki wajah se, aur yahan pe viper ki responsibility thi unko bachana, but yes jis tarike se clutch god ne yahan par apni kill bachayi, it was so good to see, cause यहाँ पर स्काउट बस किल कंफर्म करने आ रहे थे, बस वो चाहते थे कि रेगा को नॉकआउट करके गेम से बाहर कर दे, वो नॉकआउट ऑलरेडी थे, बट यहाँ पे टीटीपी के दो प्लेयर नॉकआउट हो चुके, गेम से बाहर हो चुके, शगार जो अभी तक टॉप रैगर है प्लेन्स के, उन पे काफी प्रेशर होगा कि अपनी टीम के लिए वो क्या कर पाएंगे, ओके आइकॉनिक ने यहाँ पे नारुतो को नॉकआउट कर दिया, और डार्क ने नारुतो को गेम बिल्कुल एंड कर दिया, अभी सोल अभी भी कॉम्पिटिशन के अंदर है, वाइपर क्लच गॉड दोनों बचे हैं, एंड यस आई बिलीव दे कैन पुल इट ऑफ,
Yes, they can definitely pull it off because two experienced players here. Here, TDP ke Shagar, Z ke God aur Blazy pe shot nahi kuch kar rahe. Z ke ek hi player unka bacha hai, jo ki Z God hai. I think wo zone se yahan pe mara ja sakta hai, par yahan pe cover fire mein TDP ke Shagar knock ho rahe. I think Z God ka bahut hi pyara fire aaya tha, par wahan se 0 degree bhi eliminate hote hue. Entity ka Aman spotted hai, par Entity ke paas abhi 3 man advantage hai, bahut hi badi advantage hai last circle mein. So they still have that time ki un log bach sake. Yahan pe interesting baat kya hai ki Clutch God yahan pe knock ho chuka hai. RIP ke Tempest ने क्लचगॉड को पिक ऑफ कर लिया. वाइपर अकेला लास्ट मैन स्टैंडिंग है एंड आई थिंक सोल भी यहां पे काफी दिक्कत है. बट लुक एट आईएनडी, अब उन लोग अपने किल्स लेने की शुरुआत करेंगे. 4 मैन एडवांटेज, सब पूरी स्क्वाड उनकी खेल रही है. दे हैव अ गुड एरिया इन द जोन एंड आई थिंक दिस गेम आईएनडी बहुत ही प्यारा खेलेगा. एंड यहां पे सोल वाइपर है, फिर से नॉक हुए, पर शायद क्लचगॉड रिवाइव हो गया था. आई थिंक वहां पे क्लचगॉड ने आरएपी टेंपेस्ट को नॉक ऑफ किया एंड वहां पे एनटीटी के घातक ने टीडीपी के सागर को. पर या आईएनडी को देखिए, क्या मूवमेंट, क्या कवर, क्या परफेक्ट गेम खेल रहे हैं. वहां पे क्लचगॉड ने आरएपी के दो प्लेयर्स को ले लिया एक साथ एंड आई गेस क्लचगॉड अपने टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टैंड अप कर रही है. 6 पॉइंट्स ऑलरेडी उन लोग किल्स के बेसिस पे अपने खाते पे लिख चुके हैं. बात करते हैं ब्रॉलर्स, एलिमेंट्रिक्स और आईएनडी की, तो तीनों ही टीम काफी स्ट्रांग लिख रहे हैं. आईएनडी पॉइंट्स किल्स में थोड़ा वीक दिख रही है मुझे, पर देन दे हैव द मैन एडवांटेज, तो लास्ट में अगर 20 पॉइंट भी लेके निकले क्या खराब है. एंड यस, अब जब हमने मैच चालू किया था, खास कर उससे पहले सोचा था ना कि हर टीम के पास अगर 10 पॉइंट भी होंगे तो शायद बेटर रहेगा, तो वही फोकस है अभी तक का. टॉप 5 के अंदर आ चुके हैं, पॉइंट्स काफी अच्छे मिलेंगे, बट आई एम टोटली सरप्राइज विद दिस गाय क्लचगॉड, बिकॉज काफी पहले यहाँ पे मोटर और उनके एक टीममेट यहाँ पे नॉकआउट होकर गेम से बाहर चले गए थे एगल्टॉस. उसके बाद क्लचगॉड ने यहाँ पे वाइपर को रिवाइव करा, तो वाइपर किल निकालता है, वाइपर एगल्टॉस क्लचगॉड को रिवाइव करता है, क्लचगॉड किल निकाला है. दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है इट्स सो गुड. यहाँ पे एलिमेंटिक्स के प्लेयर के करके नॉकआउट हो जाए, एंटिटी के जोनाथन ने किल निकाली, उसके बाद इंस्टेंटली वहाँ पे ट्रेड नॉकआउट हो चुके हैं. उनको ध्यान रखना पड़ेगा, उनके पास एक अच्छा रेजा जो होल्ड करके गेम में उनको आगे मदद कर सकता है. अकेली टीम जो टीम बची है वो 4 प्लेयर के साथ, वो है टीम आईएनडी. अगर वो सिचुएशन को यूटिलाइज करते हैं दे कैन लिटरली टेक दिस गेम ऑफ. गेम की शुरुआत, फाइनल की शुरुआत थी डंके की चोट पे, मुझे नहीं लगता उसके बाद उनके कॉन्फिडेंस में कोई कमी आएगी और आज का पूरा दिन दे विल बी जस्ट नेलिंग इट. एंड यहाँ पे सोल के क्लचगॉड ने आइकॉनिक को नॉक किया DP28 से. क्लचगॉड बहुत ही लो ऑन हेल्थ है, उसको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, पर यहाँ पे कंटिन्यूस प्रे है नोवा को बाहर करने की कोशिश. वहां पे डार्क का कवर फायर एंड वाइपर नॉक होते हुए, आई थिंक वाइपर के पास हेल्थ नहीं बचा. एंड वहां पे ट्रांस अब एनटीटी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए, घातक नॉक, जोनाथन फिनिश एंड वहां पे एलिमेंट्रिक्स आईएनडी को अभी भी परेशान कर रही है. एलिमेंट्रिक्स वो एकलौती स्क्वाड थी जो आईएनडी के साथ वो हिल पे थे एंड एलिमेंट्रिक्स अब मूव करते हुए आईएनडी थोड़ा बैकफुट में चले गए. वाइपर वहां पे नॉक था, क्लचगॉड मूव एंड स्प्रे का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए वहां पे मिस्टर ह्यूजी ने वाइपर को फिनिश ऑफ किया. क्लचगॉड अपने टीम के लिए कमान संभालते हुए ब्रॉल डार्क कर लिया एंड बहुत ही प्यारा स्प्रे एंड यहां पे फिनिश करके अपने टीम के लिए एक और किल सिक्योर करने की उसकी पूरी कोशिश रहेगी. एंड यहां पे 7 पॉइंट्स अपने टीम के लिए निकालते हुए और चौथे स्पॉट पे अपने टीम को ले जाते हुए सोल क्लचगॉड, क्या बेहतरीन गेम प्ले टीम आईएनडी, क्या बेहतरीन टीम स्ट्रेट्स. ट्रस्ट मी इस वक्त अगर पोजीशन की बात करें आईएनडी ने अलग ही लेवल छुआ है और जो किल्स डिपार्टमेंट में आज क्लचगॉड धुआं बना रहा है, ट्रस्ट मी जस्ट प्रूविंग एवरी वन रॉन्ग. कहाँ था, कौन था 3 महीने पहले था, बट आज ही इज मोस्ट हाईएस्ट रेटेड प्लेयर. क्या परफॉर्मेंस है, अल्टीमेट परफॉर्मेंस. अब जो फाइनल 14 बची है वो एलिमेंट्रिक्स, सोल, आईएनडी एंड ब्रॉलर्स. ब्रॉलर्स जिसने प्लेन में धमाका मचा रखा था, बट आज देखते हैं वो क्या करेंगे. एलिमेंट्रिक्स यहाँ पे 4th पोजिशन में नॉकआउट हुए 3 टीम, क्या हो पाएगा. टीम आईएनडी अभी भी 4 प्लेयर के साथ है, दे आर इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजिशन. 2 प्लेयर ब्रॉलर्स के बचे हैं, 1 प्लेयर यहाँ पे सोल का बचा है और ये दोनों तरफ फुल डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज देते हैं ईटीजी को, ईटीजी को थोड़ा सा फॉल बैक करने में मजबूर कर रहे हैं. वहीं पे नोवा आइकॉनिक, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर हमारी कम्युनिटी के, उनको पता है इसी सिचुएशन में ऐसा क्या करना है. बट अगर अब एक ही चीज है जो आईएनडी को हरा सकती है वो है जोन, जहां पे उनको ओपन में रोटेट करना पड़ेगा और अगर एक अच्छा स्प्रे कनेक्ट होता है देन ओनली यहां पे आईएनडी के लिए प्रॉब्लम होगा. जोन यहां पे आप देख सकते हो क्रेड भाई पूरा टीम आईएनडी को फेवर कर रही है, बाकी सारे टीम्स को अंदर मूव इन करना होगा. यहां पे इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये रहता है कि अगर क्लचगॉड एंड ब्रॉलर्स के दोनों प्लेयर को ले जाता है या ब्रॉलर्स ले जाता है तो यहां पे अब सिर्फ पॉइंट्स पोजीशन पॉइंट्स की फर्क रहेगी बिकॉज टीम आईएनडी विल डेफिनेटली डोमिनेट. चारों बंदे अलाइव है एंड क्या शानदार गेम प्ले, यू नो फर्स्ट गेम कंपोजर के साथ खेल रहे हैं. 4 पॉइंट और 24 पॉइंट के लिए इन लोग अल्टीमेट टारगेट कर सकते हैं अगर यहां पे कुछ और फाइट हो जाती है. बट यस दे हैव opportunity to take 27 points at the end. जो टीम को संभाल के रखा जा रहा है ना, जो ऑर्गेनिकली बाइंड करके रखा जा रहा है, कोई ओवर कमिट नहीं, कोई ओवर पीक नहीं, कोई एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करी. स्टिक टू द बेसिस, हमें बस यहाँ पे सर्वाइव करना है, किल निकालना है, चिकन डिनर निकालना है, हमें कोई चौथी चीज चाहिए ही नहीं और वो ही आईएनडी करके दिखा रही है. बट धीरे धीरे रोटेशन होगी यहाँ पे. क्लचगॉड की मेन फोकस ये होगा कि पहले ब्रॉलर्स निकले तभी जाकर वो गेम रोटेट करे. बट ही सेकंड टोमस जामिल, ऐसा लग रहा है कि वो शायद हील वॉर को कंटेस्ट करना चाहते, बट वन मोर टेक. अफसोस, इट वॉज अ नाइस ट्राई रूट.
लाइक पिछले 15 मिनट में इस इंसान ने अपना बेस्ट गेम खेल के दिखाया है. नो डाउट लाइक वेल वेल डिजर्व लाइक कुडोज. बहुत अच्छा गेम दिखाया बट यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे आइकॉनिक नॉकआउट हो चुके हैं एंड दिस इज द एंड आई बिलीव. बिकॉज दूसरे पे जो भी बचे हैं उसके बाद भी ज्यादा देर वो कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे. और इसी के साथ टीम INDY गेटिंग द वेरी फर्स्ट चिकन डिनर ऑफ PMCO साउथ एशिया फाइनल. बहुत शानदार, बहुत अल्टीमेट, बहुत कंपोज गेम पे दिखाकर उन्होंने अपने लेगेसी को कंटिन्यू किया. क्या बेहतरीन गेम था लास्ट में. बट कुडोज जो बोलते हैं ना, ह्यूज कुडोज टू द वे क्लच गॉड प्लेड एंड द वे NTT के ब्रॉलर्स आर फाइनली पुटिंग अप द शो. ब्रॉलर्स का आप अगर गेम प्ले देखो, दे आर शोइंग दैट कंसिस्टेंसी जो उन्होंने पिछले टूर्नामेंट्स में नहीं दिखा पाए थे. पर आज और एक बार स्टैंडिंग्स की तरफ भी नजर कर लेंगे क्योंकि INDY टॉप पे और 26 पॉइंट्स, उसके बाद ETG ब्रॉलर्स 21. और ये दो टीमें ऐसे जो जो पहले से परफॉर्म कर, INDY ने कल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और वो सेम मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहे हैं. ब्रॉलर्स भी अच्छा खेल रहे हैं, सोल इन द टॉप 3 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि उनकी जो प्लेइंग्स की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी. लेकिन और दूसरी टीम्स भी 0 degree है, इस बार ठीक ठाक खेली. लेकिन एक और चीज है, उनके किल पॉइंट्स हमेशा ज्यादा होते हैं प्लेसमेंट पॉइंट्स से. बट यहाँ पे अगर आप बात करो ब्रॉलर्स की कंसिस्टेंसी, हम लोगों को अभी भी देखने को मिल रही है जो हम कल कल और परसों के चार चिकन डिनर की बात करें. बट यहाँ पे सोल की बात करते हैं कुछ, तो थर्ड आके वहाँ पे क्लच गॉड की वजह से जो यहाँ पे प्लेसमेंट पॉइंट्स मिले थे, हालांकि जो दूसरे दो प्लेयर थे वाइपर भी उसके साथ था आखिरी तक, बट वहाँ पे क्लच गॉड ने जो आखिरी टॉप 3 तक लेके गया अपनी टीम को. ब्रॉल डार्क को भी उसने वहाँ पे फिनिश करा, अदरवाइज ब्रॉलर्स के भी 3 प्लेयर वहाँ पे फाइनल सर्कल में जिंदा होते. शायद वहाँ पे ब्रॉलर्स से भी फाइट देखने को मिलती जो INDY से उन लोगों ने ली थी जब टॉप 2 टीम्स बची थी. बट एनीवेज यहाँ पे अगर सेकंड चार्ट की हम बात करें तो ट्रस्टी प्रोसेस 9 पर आई है. ये वो टीम है, अब मैं ये देखना होगा कि शागर यहाँ से अपनी गेम कैसे चेंज करता है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा यू नो वो एग्रेसिव प्लेयर है एंड उनको हमने देखा है MVP ओवरऑल स्टैंडिंग्स के अंदर. बट यहाँ पे उनका पूरा का पूरा चेंजेस थोड़े से नीचे आ सकते हैं. INS जो पहले भी दिन में स्ट्रगल कर रही, बट दूसरे दिन में उन्होंने बहुत सही इंप्रूवमेंट किया था. यहाँ से इंप्रूवमेंट का उनके लिए स्कोप है बिकॉज वो टॉप 10 के अंदर है, बट देन टॉप 5 पर आने एक चीज होगा. और फनेटिक की अगर हम बात करें, वो 11th पोजीशन पर, आपने देखा स्काउट अकेले रह गए थे. सो यहाँ से स्काउट को अपनी पूरी पूरी स्ट्रैटेजीज बदलनी तो पड़ेंगी ताकि वो और ऊपर आ सके. सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर फनेटिक फॉर स्काउट एज अ होल. क्लच गॉड फ्रॉम सोल, हु इज द MVP विद द मोस्ट अमाउंट ऑफ किल्स, एंड यू टुक योर टीम इनटू द थर्ड प्लेस इन द वेरी फर्स्ट गेम. How do you feel about doing this all over again? Bas very normal hai kyunki I have the capability to do these things. So that is what confidence sounds like. It's like, yeah, it's a normal thing. I just got to do what I got to do. But your choice of weapon, you were using the DP towards the end to spray all over ETG and IND. Wow. Why? Because I didn't have ammo for M4. So you basically made the most of what you had available at that point. Were you at any point of time? Because I had to switch it because I had like 40 ammo on my M4. So I just switched it then and then, right then. When I killed, I think, I don't know, RIP. After RIP, I switched my weapon to DP. But do you think if you had a better gun and more ammo, you might have just gone for the chicken dinner and taken down the entire team by yourself? Possible? Nah, I don't think. Oh, I think you can. That ain't possible. Okay, let's go for the next match, but after a short break, right now. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. 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 Easy go.